लेडीज एंड जेंटलमैन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस वीडियो दोस्तों आज है टेंथ जून और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम चार डिफरेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम फोर डिफरेंट न्यूजपेपर्स सो दोस्तों अगर हम शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद वन एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट द इंडस वॉटर ट्रीटी विच हज कम आज हिंदू में आया है अगला जो आर्टिकल है दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे और स्वच्छ भारत मिशन के बारे तो ये जो आर्टिकल है आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया है एंड दिस इज पर्टनिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन पार्ट ऑफ जी एस टू सिलेबस देन अ वेरी गुड आर्टिकल बहुत ब्रीफली शेयर करेंगे इसके बारे में हम वट इज न्यू बैंक ठीक है न्यू बैंकिंग के बारे में हम शेयर करेंगे दिस इज रिलेटेड टू फिनटेक कॉम्पोनेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन अ कॉम्पोनेंट ऑफ जीएस थ्री एंड वन मोर आर्टिकल दोस्तों ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया है जो कि सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बात करता है बहुत ब्रीफली यहां पर बात समझेंगे सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित और क्या इसकी एप्लीकेशन है और कैसे इंडिया के लिए बेनिफिशियल रह सकता है खास करके हमारे मिलिट्री पर्पजेज के लिए तो ये जो आर्टिकल है ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी थ्री का पार्ट बनता है दोस्तों वीडियो के एंड में दे विल बी वन क्वेश्चन फॉर यू विच इज द क्वेश्चन ऑफ़ द डे जिसका आंसर आप कल दोपहर को बारह बजे तक लिख सकते हैं हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है एडिटोियल्स विद मीन आंसर राइटिंग का उसका जो लिंक है वो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा सो डू क्लिक ऑन दैट लिंक ऑफ टेलीग्राम लिंक एंड यू विल गेट एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ

नाउ एज एड दैट नॉट एवरी एडिटोरियल यू कम अक्रॉस इन द न्यूज पेपर इज रेलिवेंट वी हैव टू सी विच इज रेलिवेंट फॉर एर यू पी एस सी परसपेक्टिव खास करके जो हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो आज मेरे को चार डिफरेंट न्यूज पेपर्स में से चार आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट लगे तो चार न्यूज पेपर्स में वैसे हो सकता है कि दस पंद्रह आर्टिकल्स हर एक न्यूज़ पेपर में आते हो सो वी काट एंड ऑफ डिस्कसिंग सिक्सटी एडिटोरियल एवरी डे राइट right. सो so, जो जो एडिटोरियल है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए नाउ इफ यू हैव एक्सेस टू द हिंदू इफ यू हैव एक्सेस टू द इंडियन एक्सप्रेस तो ये दोनों न्यूजपेपर्स का इजिली एक्सेस अगर आपके पास है तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं उसके बियॉन्ड अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन हिंदुस्तान टाइम्स का नहीं है बिजनेस लाइन का नहीं है तो नो वरीज वो जब आप शाम को आएंगे छह बजे उसको वीडियो देख के आप उस आर्टिकल को वहां से भी पढ़ सकते हैं वीडियो में से भी पढ़ सकते हैं जब आप वीडियो को सुन रहे हैं तो स्टार्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किए जा रहे हैं स्टार्ट राइटिंग डाउन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं बहुत शॉर्टली बहुत ब्रीफली क्रिस पॉइंट्स हैं जिसका हम अनालिस आपके सामने कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं आप अपना एक रजिस्टर बना सकते हैं और यू कैन योर रजिस्टर आप सेन का सेक्शन टू थ्री फोर का सेक्शन अलग से कर सकते हैं और यू कैन हैव फोर डिफरेंट कॉपीज कॉपी फोकस ऑन कवरिंग द टॉपिक

आंसर्स करने हमको पता नहीं लगेगा पे पे? कि आंसर है Because बीच पे इतनी सारी आपकी चार्ट आती रहेगी, तो वो चीज़ मत करना। जो बेस्ट आंसर है जैसे आपको मैंने बताया कि वो अगले दिन बारह बजे शेयर किया जाएगा कंसिस्टेंटली जो बच्चे परफॉर्म करेंगे दोस्तों उनको स्लीपी क्लासेस की तरफ से गिफ्ट हम्पस भी दिए जाएंगे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है तो अब कल आपके पास बारह बजे तक का टाइम है जो आपको आज क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आंसर आप लिख के टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं दोस्तों फीजिबल नहीं है हर एक आंसर के ऊपर फीडबैक देना किसी का कमेंट में पढ़ रहा था यू नो दैट पर्सन है सेट के वॉट इज द प ऑफ क्रिएटिंग द ग्रुप अगर हम फीडबैक हर एक आंसर पर नहीं दे सकते हैं देखिए दोस्तों एक फ्री इनिशिएटिव है अगर आपको पर्सनलाइज फीडबैक चाहिए तो उसके लिए हमारा एक डिफरेंट इनिशिएटिव है वो एक पेड इनिशिएटिव है जो मीनस आंसर राइटिंग कोर्स का है जहां पर आपको पर्सनलाइज फीडबैक मॉडल आंसर एक्सेट्रा एसेट्रा सब प्रोवाइडेड रहेंगे यहां पे हमारा पर्स है कि आपको इनकलकेट करना हैबिट कि आप आंसर्स लिखें और जिसका बेस्ट आंसर होगा देखिए अब अगर 20 25 लोग रोज आंसर्स लिख रहे हैं तो उससे हमको यह भी पता लग रहा है कि 20 25 लोग हैं जो ईमानदारी से आंसर्स लिख रहे हैं ठीक है या 30 है या 35 है अब अगर 2025 ग्रुप में है तो हर किसी बच्चे का आंसर चेक करना फिजिबल नहीं है दो बंदों के लिए ठीक है और अगर आप चाहते हैं चलो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना आंसर पर्सनली भी वैल्यूएट करवाना है चलो ये हम काम जरूर कर सकते हैं कि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे अपने आंसर्स लिख सकते हैं मुझे टाइम लगेगा डेफिनेटली आपके आंसर्स को रिव्यू करके कुछ ना कुछ फीडबैक मैं वहां पर जरूर दूंगा ठीक है दोस्तों तो ये कुछ बातें थी आपको जो मैंने बतानी थी बाकी दोस्तों जो हमने कल क्वेश्चन दिया था डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड उसका जो बेस्ट आंसर है वो वाकिफ ने लिखा है तो वाकिफ ने वैसे कल भी काफी अच्छा आंसर लिखा था जो हमने परसों एडिटोरियल में क्वेश्चन डाला था सो वाकिफ ने मरियम ने इन्होंने काफी अच्छे आंसर लिखे थे कल सुमित ने बहुत अच्छा आंसर लिखा था तो आज इन्होंने देखी कितनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है इस आंसर की और हैंडराइटिंग देखिए कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है सो हैफ टू यू वाकिफ आपने देखी स्टार्टिंग में डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन दे दी परिभाषा दी दी फिर हमने बात करी कि इंपॉर्टेंस क्या है गल्फ नेशंस की टू इंडिया है, है, तो चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड है ट्रेड एंड कॉमर्स है डायस्पोरा है सिक्योरिटी कंसर्नस है ठीक है तो यहां पर ये डायमेंशन्स कवर कर दिए और अंत में जो वे फॉरवर्ड है मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है देखिए यहां पर इन्होंने डायग्राम भी बनाया वेफ फॉरवर्ड को लेकर आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं आपको ये आंसर जो मॉडल आंसर है एक तरह से इसको मॉडल आंसर ही कंसिडर करिए ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड रहेगा इसको आप पढ़ सकते हैं एंड द एंडिंग इज ऑल्सो वेरी गुड सो अ वेरी वेल बैलेंस्ड आंसर वेरी वेल रिटन आंसर सो कीप अप कीप अप दी एफर्ट चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा तो यहां पे बात करेंगे ये हिंदू में आर्टिकल आया एंड ड्यूरिंग अग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज नो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी आई डब्ल्यू टी इफ रिमेंबर इन 2019 आफ्टर द आफ्टर द उरी अटैक आर प्राइम मिनिस्टर मेड इट वेरी क्लियर दैट खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता कि खून की नदियां और पानी जो है हम एक साथ नहीं बहाएंगे और इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें बहुत बार ये चर्चा में रही है ना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी को आज सिक्सटी टू ईर्यस हो चुके नाइनटीन सिक्सटी में सेप्टेबर नाइनटीन सिक्सटी में इंडस वॉटर ट्रीट इस्टिश करी गई थी मेकानिजम इस्टाब्लिश किया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द देन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ऐयूब खान को और इसमें वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट भी रही थी वर्ल्ड बैंक वॉज थर्ड पार्टी विच अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्राफ्टिंग इन ड्राफ्टिंग द इंडस वाटर ट्रीटी अब यहां पे मोटे तौर पे बात क्या करी गई है इस इस ट्रीटी के चलते जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस झेल वैसे तो देखिए इंडस और उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं तो इंडस झेलम और चेनाब जो है ये चले गए पाकिस्तान को ये हमारी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है वेस्टर्न रिवर्स हैं और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो हो गया आपके सतलज रावी और ब्यास सो so, देवर दे वर पोर्सन टू इंडिया आफ्टर द अंडर दिस नाइनटीन सिक्सटी ट्रीटी ऑफ वाटर ट्रीटी राइट अब इतने सालों से देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव बने रहे हैं काफ़ी टेंशन रही हैं बट दिस ट्रीटी इज़ एन एग्जाम्पल दैट डिस्पाइट ऑल द टेंशन वी हैव डिस्पाइट ऑल द सेक्टेरियन कंफ्लिक्स वी हैव विद इन पाकिस्तान विद इन इंडिया डिस्पाइट दट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीसफुल को एक्सजिस्टेंस जो अभी भी एक्जिस्ट कर रहा है डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स फ्रॉम द लास्ट सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स वी हैव विद पाकिस्तान तो दोस्तों यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं इंडस झेलम और चनाब आपकी वेस्टर्न रिवर्स होगी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज होगी रावी ब्यास और सतलुज आपके ईस्टर्न होगी ठीक है तो यहाँ पे मैप में थोड़ा आइडिया लग जाता है हमको देख के ठीक है चलिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन को यहां पे प्रोवाइडेड है अब यहां पे बात करेंगे परमानेंट इंडस वाटर कमीशन के बारे में ना ये एक बायोलेटल कमीशन है जिसमें जो ऑफिशियल्स है कर्मचारी है वो इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान के टुवर्ड्स तरफ से भी है तो वो कमिश्नर्स जो है जो इंडस कमीशन में रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के टूवर्ड से इंडिया और पाकिस्तान के साइड से वो ऑफिशियल इसमें मौजूद रहते हैं ये जो पी है इसको क्यों बनाया गया है इसको बनाया गया टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज जो ऑब्जेक्टिव है जो गोल्स है ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है ये एक फर्स्ट स्टेप है

अब प्रोविजन्स ऑफ आई डब्ल्यू डी की बात करें अगेन थोड़ी फैक्चुअल बात है अब इन प्रोविजन्स के हिसाब से थर्टी थ्री मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलुज ब्यास और रावी ये एलोकेट किया गया है इंडिया को फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज एनुअली और वन थर्टी फाइव मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस झेलम एंड चनाब ये एलोकेट करा गया है टू तो पाकिस्तान अब डिफरेंसेस कहां पे आते हैं जहां पे डिस्प्यूट्स और अब इतने को सीरियस वो अब वो डिस्प्यूट्स नहीं है या मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि कोई ऐसी लड़ाई हो गई है लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान काफी सालों से खड़े कर रहा है इस मैकेानिज्म के चलते परमानेंट इंडस कमीशन में डिस्प्यूट कहां पे आता है पहला तो आपका किशन और रातले की हम बात करें तो किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहाँ बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान का ये कहना है कि यह झेलम और चनाब पे बनाए जा रहे हैं और ये जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम और चनाब ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है जो कि पाकिस्तान के टूवर्ड्स आ जाती है अब जो किशन

इस इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल्स तीन और सात के चलते इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन द रिवर्स एंड चनाब एज वेल तो यहां पे दोस्तों एक पे सामने लेके आ जाते हैं तो सरफराज अहमद कहते हैं अब देखिए वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भी इंडिया यहां पे कोई गलत नहीं है इंडिया चाहे तो वो डाम्स बना सकता है चाहे वो वेस्टर्न ट्रिब्यूटीज है कि नहीं है तो सरफराज अहमद विराट कोहली को कहते हैं कि भाई आप हर बार कैसे जीत जाते हो तो विराट कोहली कहते हैं कि भाई ये मैं आपको थोड़ी बताऊंगा हम कैसे जीते हैं तो चलो पाकिस्तान हर बार हमसे वर्ल्ड कप में भी हार जाता है चलो Uh, कई बार रिकॉर्ड हमारे फेवर में नहीं होता बट डेफिनेटली ये थोड़ा मेन बीच में थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए है कमिंग बैक यहां पे दोस्तों ये आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट है ठीक है ये आपका देखिए ब्लू में देख रहे हैं किशन गंगा रिवर है ठीक है दिस इज दल ओ अब अब आप ये भी जानते हैं दिस इज द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो कि एक्चुअल में फैक्चुअल बात नहीं है बिकॉज दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ कश्मीर ऑफ इंडियन टेरिटरी बट नवर अब पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ आई डब्ल्यू टी बिकॉज आई रीट रेट इट अगेन बिकॉज उनका ये कहना है जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है जो कि झेलम रिवर पर बनाया जा रहा है वो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है जो कि पाकिस्तान जो कि जिसका यानी कि इंडिया का राइट नहीं है इस रिवर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट बनाने का अब इस ट्रीटी से इंडस वॉडर ट्रीटी से हमको क्या लेसन सीखने को मिलते हैं देखिए अभी मैंने आपको बात शुरुआत में भी बताई थी कि देखिए इतने सालों से हमारे डिस्प्यूट्स पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं काफ़ी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ चल रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे टेंशन बहुत सारे इस इस तरह के माहौल के बावजूद भी इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ विद होल्ड विद स्टूड द टेंशन इंक्लूडिंग द कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग ऑल द वॉर्स विच हैज़ हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इनफैक्ट हम सार्क की अगर बात करें देखिए सार्क बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक था नाइनटीन में जो तो इस्टब्लिश करा गया था लेकिन इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करा गया आमतौर तौर पर सार्क को एक सार्क की मैं अगर बात करूँ एस डबल ए आर सी यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन तो उसको डिजास्टर माना जाता है बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्टिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इतना सक्सेसफुल हमको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिला सार्क एज अ ब्लॉक के होते हुए लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के चलते आई I मी mean, हमने काफी देखी यहाँ पे डिस्पाइट ऑल द कंफ्लिक्स वी हैव रीजनल कोऑपरेशन देखी है हमने रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट की बात करें रिवर वाटर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो काफी सक्सेसफुल कोऑपरेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में रही है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव एंड एफिशियंट एग्जाम्पल ऑफ वाटर मैनेजमेंट ठीक है दोनों देशों ने दे हैव अवॉइडेड एनी एक्शन रिजल्टिंग इन दी एग्रवेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट तो ठीक है अगर आप पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट को लेके, डज मीन कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई है ठीक है तो यहां पे आराम से पीसफुली मुद्दे जो हैं रिजॉल्व करे गए हैं इनफैक्ट जो 118 जो अभी रिसेंटली जो परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग अभी, अभी अभी कंक्लूड हुई गई थी जून 2022 में तो यहाँ पे शो करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज राइट तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की हम बात करें देखिए अब ये दोनों देश जो हैं देखिए क्लाइमेट चेंज एक रियालिटी है है ना जो पानी है वो सूख रहे हैं चाहे वो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हो चाहे वो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हो तो आने आने वाले वाले समय में आने वाले में टाइम कैसे हम क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को स्टडी कर सकते हैं ठीक है रिवर्स ड्राई अप हो रहे हैं अब साउथ एशियन रीजन की बात करें तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है जो डेवस्टन है वो साउथ एशियन रीजन में भी देखने को मिलेगा तो कैसे आने वाले समय में हम इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म यूटिलाइज करके हम कैसे रिवर्स को स्टडी कर सकते हैं क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उन रिवर्स के ऊपर क्या चेंज आ रहा है उनके ऊपर ऑनगोइंग यू नो क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज एंड दिस ट्रीटी ऑल्सो ऑफर्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द सब कॉन्टिनें माइंड बी के इंडस वॉडर ट्रीटी के मैकेनिज्म के चलते जो और कंफ्लिक्स हैं नॉट द रिवर कंफ्लिक्स नॉट द कंफ्लिक्स रिलेटेड टू द नॉट द कन्फ्लिक्स रिलेटेड टू द हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बट अर कन्फ्लिक्ट दे केन ऑल्सो भी रिजोल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इस तरह से अगर रेगुलर डायलॉग चलता रहा पेरियॉटिकली डायलॉग चलता रहा सो वन वी कैन अटैप्ट रिजो ऑल द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडस वाटर ट्रीटी अग्रीमेंट को एक बेंच मार्क भी माना जा सकता है अगर किसी इस रीजन में साउथ ईस्टर्न रीज में अगर कहीं और देशों के बीच में भी कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं चलिए दोस्तों अगला आर्टिकल यहां पे हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे तो जल जीवन मिशन जैसे कि आप जैसे कि आप जानते होंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है पाइपड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना टू ऑल दी रूरल हाउस होल्ड बाई तो थोड़ी सी हाईलाइट ऑफ दिस मिशन के बारे हम समझ लेते हैं ठीक है इसका पर्पज क्या है कि सेफ और एटिक्यूट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है हर एक हाउस होल्ड में रूरल इंडिया में खास करके ठीक है यहां पर बहुत एम्फोसाइज किया जाएगा ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर तो ग्रे वाटर की यहां पे बात करें हमने पहले भी ग्रे वाटर के बारे एक आर्टिकल डिस्कस किया था तो ग्रे वाटर होता है, जब हम ठीक है हम कपड़े धोते हैं में। तो जो भी पानी वहां से आउटलेट होता है हम ग्रे वाटर कहते हैं अब इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है ठीक है इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है बिकॉज देखिए आने वाले समय में पानी पीने के लिए नहीं रहने वाला हम कितनी बार रिपोर्ट्स आती रहती है कि 2030 तक आबादी तो बहुत बढ़ जाएगी लेकिन अब पर क्या भी बढ़ेगी आबादी भी बढ़ेगी लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी पानी की अभी गर्मी में हम देख भी रहे हैं कितनी रहती है, वाटर शॉर्ट की शिमला की बात करें और ये प्रॉब्लम आने वाले समय में और बढ़ती रहेगी तो करके बहुत जरूरी है कि पानी की समस्या को अगर एड्रेस करना है तो वहां पर जन आंदोलन बहुत जरूरी है तो ये जो मिशन है जल जीवन मिशन दिस इज बेस्ड अप्रोच टू वाटर मैनेजमेंट ठीक है जन आंदोलन की बात करी जा रही है अब टेकअवेस की बात करें फ्रॉम द जल जीवन मिशन अब जब से स्टैब्लिश करेगी मिशन जब से इसको करा है तब से मोर देन अराउंड अबाउट सिक्स एंड हाफ करोड़ हाउस प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन सिंस ठीक है जी जल जीवन मिशन जो है ये चैलेंज सिमिलर फेस करता है एज यू नो द चैलेंज विच वॉज फेस बाय द स्वच्छ भारत मिशन दैट इज मैनेजिंग द ग्रे वाटर डिस्चार्ज तो यहाँ पे ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करी जा रही है पैंडेमिक के चलते सैनिटेशन क्लिनिनेस हाइजीन के ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया गया है तो इस करके जो कन्वर्जेंस है जल जीवन मिशन का और स्वच्छ भारत मिशन का दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द रूरल इकॉमी स्पेशली फॉर द सोशल सेक्टर्स पर्टनेंट टू द रूरल एंड द सेमी अर्बन इकोनॉमीज नाउ सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड वाटर टर्नज इन टू ग्रे वाटर ठीक है अब देखिए अब इस जल जीवन मिशन के चलते एक और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे औरतों को देखिए अब डिग्निटी ऑफ़ अगर डिग्निटी ऑफ वुमेन को रिस्टोर करने की बात यहाँ पे करें देखिए औरतों को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है बीस पच्चीस किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है ताकि वो कुएँ से जाके पानी अपने घर के लिए लेके आए पीने के लिए नहाने के लिए ठीक है अब देखिए इतनी गर्मी में जाना है ना गर्मी हो सर्दी हो तो डेफ़िनेटली आई मीन औरतों को इतना ज़्यादा यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ता है ठीक है तो ये जो मिशन है इस पर भी एम्परसाइज करता है कि कैसे औरतों को रिलीफ किया जा सकता है उनको इतना लंबा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े फ्रेश पानी फेच करने के लिए ठीक है ताकि उनके बच्चे नहा सकें फ्रेश पानी पी सकें ठीक है देखिए पानी बहुत ज़रूरी है ठीक है तभी जल जीवन मिशन इसका नाम रखा गया है ठीक है पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी सेवेंटी परसेंट ऑफ द सेवेंटी परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो वाटर तो यहाँ औरतों की डिग्निटी रिस्टोर करने की भी बात करेगी कि हर एक घर में अगर नल होगा हर एक घर में अगर पाइप वाटर कनेक्शन होगा दैट वुड बी वेरी गुड Now, अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बात करें इसके चार मेन कंपोनेंट्स हैं जहां पे इसका फोकस है पहला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा है बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तीसरा फिर आपका अगेन ग्रे वाटर मैनेजमेंट आ जाता है और चौथा फिशियल स्लज मैनेजमेंट आ जाता है अब जो जल जीवन मिशन है कन्वर्ज विद स्वच्छ भारत मिशन अब इससे क्या होगा इससे होलिस्टिक सैनिटेशन ऑब्जेक्टिव मीट होगा जो टारगेट है होलिस्टिक सैनिटेशन का वो हम मीट कर पाएंगे इन विच द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे वाटर बिकम्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट Now, अब हाइलाइट्स की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन देखिए अब यहां पे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा इंफोसिस दिया गया है इनफैक्ट इस मिशन के चलते जो बाईस हजार गांव है बाईस हजार विलेजेस हैं वहां उनको मॉडल विलेजेस नेम करा गया अंडर देशन फ्री प्लस स्कीम उसके अलावा और फिफ्टी वन हैं विच आर ऑन देअर वे टू अचीव दिस टास्क तो बहुत अच्छी बात है बिफोर स्वच्छ भारत मिशन नियरली वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टन ऑफ फीशियल स्टच दिस वॉज लेफ्ट अनट्रीटेड ठीक है अब देखिए दोस्तों अब एक बिहेवियरल चेंज की यहाँ पे बात आती है देखिए अब अब बहुत सारे लोग अब टॉयलेट को प्रेफर कर रहे हैं पीछे मूवीज आई थी ठीक है अगर हम टॉयलेट की बात करें अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई थी टॉयट टॉयलेट के नाम से तो अब देखिए बिहेवियरल यहाँ पे एक माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों के माइंड में वो टॉयलेट्स प्रेफर कर रहे हैं पहले हम देखते थे बहुत सारे लोग रिलक्टेंट थे कि वो अपने घर में बाथरूम नहीं लगवाना चाहते थे ठीक है अब इसके चलते अब पैंडेमिक के चलते क्लिनलीनेस हाइजीन स्वच्छता इसके ऊपर और एम्फिस दिया गया है पहले क्या प्रॉब्लम थी पहले क्या था टू थर्ड ऑफ ऑल द टॉयलेट स्पेशली इन द रूरल इंडिया दे वर नॉट कनेक्टेड टू द मेन सीवर लाइंस जिसके चलते इतना सारा जो फीसियल स्लच था दैट वाज लेफ्ट अनट्रीटेड इससे क्या होता है बीमारियां होती हैं ठीक है वाटर वॉटरबॉट डिजीजे होते हैं इन्फेक्शन होती हैं ठीक है तो डेफिनेटली दिस विल अगेन इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का रिस्टोरिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन अब यहां पे एक आंकड़ा है 93% ऑफ वुमेन रिपोर्टेड फीलिंग सेफ एंड सेड का दे हैड फाउंड डिग्निटी इन यूजिंग दी हाउस होल्ड टॉयलेट नहीं तो उनको इतना दूर जाना पड़ता था खेतों में जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए तो दैट इज नॉट सेफ एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाइजेक एज वेल अब अक्सर इसको बहुत ओवरलुक किया, किया जाता है अंडरस्टिटेट किया जाता है बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी जो स्कीम्स हैं सैनिटेशन के ऊपर जो तो एम्पेसिज हम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन है जल जीवन मिशन है इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमारी जी के ऊपर भी है इनफैक्ट इन एडुकेशन सैनिटेशन के चलते दैट हैड कॉस्टेड इंडिया अराउंड अबाउट रुपीज टू पॉइंट फोर ट्रिलियन बैक इन टू थाउजेंड सिक्स विच वॉज सिक्स परसेंट ऑफ इंडियाज जी डी पी एट दैट टाइम

कि अब सोनिया गांधी जी का रिएक्शन कैसे होता तो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिएक्शन कैसे होता है तो अगेन अब बात चलो मेम यहां पे शेयर कर दिया बट द सिग्निफिकेंट इज दिस स्कीम इवन द जल जीवन मिशन एंड योर स्वच्छ भारत मिशन दोनों स्कीम्स में बात करी गई है रिस्टोरिंग वुमेन तो पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है अब इसके चलते अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी वाले वे में नहीं बट किसी और तरीके से हम बात करेंगे तो यहाँ पे पचास जो रिजर्वेशन है वो औरतों को दिया गया है विलेज एंड वाटर सैनिटेशन कमिटीज में मैंने अभी आपको जन आंदोलन की बात करी थी कम्युनिटी लेड अप्रोच की बात करी थी तो ये जो विलेज एंड वाटर सैनिटेशन कमेटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब जो औरतें हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे हर एक एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग में इंप्लीमेंटेशन में ऑपरेशन में मैनेजमेंट में ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स इन द विलेज और हर एक गांव में हर एक विलेज में पांच औरतों को ड्यूटी दी गई है कि जो वाटर क्वालिटी सर्विलेंस है वो इस बात का चेक करेंगे उसको मैनेज करेंगे और ऑपरेट करेंगे चलिए सो so, दोस्तों अगला आर्टिकल न्यू बैंक की यहां पे बात हो रही है या बिजनेस लाइन में आया है अब न्यू बैंक्स क्या है देखिए आज के टाइम पे डिजिटल जमाना है डिजिटल एज आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि वो बैंकिंग सर्विस अपने घर पर अपने फोन पर बैठ के ऑपरेट कर सके उनको ज्यादा कहीं जाना ना पड़े अब न्यू बैंक्स क्या है ये क्या करते हैं ये दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फिजिकल बैंक्स एंड एंड ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशन दिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन द डिजिटल एज ठीक है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं जो कस्टमर्स को एक चीपर ऑल्टरनेटिव देते हैं टू द ट्रेडिशनल बैंक ठीक है जी बेसिकली ये क्या होते हैं डिजिटल बैंक्स होते हैं इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं अब देखिए एच डी एफ सी है ठीक है आईसीआईसी है वो तो फिजिकल ब्रांच भी है लेकिन अगेन आप चाहें तो उसकी एच डी एफ सी के आपसे आईसीआईसी बैंक की आप से या एस बी आई बैंक की आप से वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं आपने मनी ट्रांसफर करना है कुछ भी करना है लेकिन अब ये जो है ना जो नियो बैंक है इनकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं है लेकिन आप ऑपरेट कर सकते हैं इनकी भी एप्लीकेशन है आप इनको इन, इनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर सकते हैं और ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिशनल बैंक नहीं प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ठीक है तो फिनटेक का जमाना है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी

ठीक है ये ब्राजील का एक बैंक है जिसने इनिशियली क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने शुरू करे थे इसका कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं था 2017 तक ठीक है इंडिया में भी इनफैक्ट न्यू को कोई लाइसेंस नहीं नियो बैंक्स को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ठीक है लेकिन इसको 2017 में जब लाइसेंस मिला न्यू बैंक इन ब्राजील को तो, तो देन इट बिकेम अ फुल अफुल डिजिटल बैंक विच ऑफर मेनी सर्विसेस ठीक है तो नियो बैंक जो है दे आर अ अब बिजनेस मॉडल विच प्रोवाइड कोर बैंकिंग सर्विसेस अब वहां पे ब्राजील में क्या है अब इंडिया में क्या है जो न्यू बैंक्स हैं वो कलाबरेट करते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ बैंक्स वगैरह के साथ जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शल बैंक उनके साथ वो वो करते हैं ब्राजील में क्या है ब्राजील में ऐसा नहीं है ब्राजील में उनको लाइसेंसेज मिल गए हैं और वो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड लोन्स पेमेंट ट्रांसफर एक्सेट्रा ये सब वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं अब इंडियन कंटेक्स की बात करें तो यहां पे नियो बैंक्स के पास अपना खुद का लाइसेंस नहीं है तो वो क्या करते हैं वो अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेजर पे की बात करूं ठीक है तो रेजर पे क्या है रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है इसका पार्टनर कौन सा है इसका पार्टनर है आपका आरबीएल बैंक ठीक है तो यहां पे क्या फॉर एग्जांपल जुपिटर है एफ है नियो है रेजर पे है दे आर वर्किंग इन पार्टनरशिप पार्टरशिप ट्रेडिशनल बैंक यानी कि जिनको लाइसेंस मिला हुआ है जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ठीक है तो जो नियो बैंक है वो भी दो प्रोमिनेंट मॉडल्स पे काम करते हैं तो आपका पेमेंट गेट पर दूसरा आपका पेमेंट बैंक अब फ्यूचर क्या है नियो बैंक का इंडिया में देखिए जो नियो बैंक है जो प्रोडक्ट है नियो बैंक की वो तीन रेगुलेटरी एजेंसीज के एम्बिट में आ जाते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ थ्री फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के में आ जाते हैं तो पहला आपका आरबीआई दूसरा सेबी और तीसरा आपका इंडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है अब देखिए आरबीआई क्या करता है आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सर्विसेज को क्रेडिट फैसिलिटीज को लोन्स को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर को ये सब चीजें होगी सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यू ये क्या गवर्न करता है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि नियो बैंक प्रोवाइड करते हैं तो यानी कि जो नियो बैंक हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं और वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन अब इसका जो रेगुलेटरी एमबेट है उसके लिए तीनों एजेंसीज का यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए सो दोस्तों अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लास्ट आर्टिकल आज का इन एन एरा ऑफ साइबर वॉर्स इंडिया नीड्स अ फोर्टिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम तो पहले तो हम समझे कि एक सुपर कंप्यूटर क्या होता है देखिए जो सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है ठीक है वो कंपराइज करती है सुपर कंप्यूटर्स को जो कि फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड माने जाते हैं ठीक है दे आर मेड अप ऑफ इंटरकनेक्ट्स इनपुट आउटपुट सिस्टम मेमरी एंड प्रोसेसर कोर्स अब एक कंप्यूटर के पास तो एक सीपीयू होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे सीपीय इकट्ठे होते हैं बहुत सारे जो सीपीयूज है वो एम्बेडेड होते हैं सुपर जो सुपर कंप्यूटिंग है दिस इज दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो डिटरमिन करता है कैलकुलेट करता है बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस और इसमें बहुत जो टाइम है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है राइट एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं एक तो कम्बैटिंग कैंसर में हो जाता है ठीक है देखिए जो नई बीमारियां हैं जो कम्प्लेक्स डिजीजेज हैं तो उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है कैसे जो मोलिकुलर मेकानजम हैं ऑफ़ दीज इवॉल्विंग डिजीजे उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये सब टेक्नोलॉजीज काम आ जाती हैं अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ डिजीजेस ठीक है इवन इन फैक्ट सुपर कंप्यूटिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो मैं कहीं पढ़ रहा था इवन अगर हम पैंडमिक्स की बात करें फाइट अगेंस्ट कोविड की बात करें तो सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है ट कैन बी वेरी बेनिफिशियल इन द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन एज वेल राइट तो अब दोस्तों यहां पर बात करें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन दो हज़ार पंद्रह की ठीक है अब यह दो हजार पंद्रह में सरकार ने लॉन्च करी थी इसके चलते सरकार ने पैंतीस फोर्टी फाइव हंड्रेड करोड़ का बजट एलोकेट किया था आने वाले सात साल के लिए 2016 से लेकर 2023 तक हालांकि बजट बहुत कम है इस मिशन का इस मिशन का पर्पस क्या है ये मिशन एनवाइस एज करता है कि कैसे जो हमारे नेशनल एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर एन डी इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे इंपावर किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम विद सुपर कंप्यूटर्स ठीक है अब दोस्तों लेकिन यहां पे अब ये जो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये जो प्रोग्राम है दिस इज ज्वाइंटली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है अज ऑफ फेब्री दो हज़ार बाईस दस सुपर कंप्यूटर जो है दे हैव बीन इंस्टॉल्ड इन अकेडमिक एन आर एंड डी इंस्टीट्यूशन लेकिन दस बहुत कम है ठीक है इनफैक्ट अगर हम ग्लोबल कंटेक्स की बात करें तो इंडिया अकाउंट फॉर लेस देन वन परसेंट फॉर जस्ट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल कंटेक्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स ना व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड देखिए अब यूएसए और चाइना की बात करें वो ऑलरेडी सुपर कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को देख रही है यूटिलाइज कर रही है कि कैसे वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में यूटिलाइज कर सकते हैं इस करके हमको भी बहुत जरूरी है कि हम एक मिलिट्री लेंस से एक मिलिट्री नज़रिए से सुपर कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को हम देखें बिकॉज देखिए अभी हमारी नज़र कहाँ पर है अभी हमारा फोकस है सिर्फ कि कैसे हम अकेेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को थोड़ा इंपावर कर सकते हैं यूजिंग द सुपर कंप्यूटर्स लेकिन आज के टाइम पर देखिए साइबर वॉरफेयर को हम फिफ्थ डायमेंशन साइबर सिक्योरिटी को हम फिफ्थ साइबर वॉरफेयर को फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर कहते हैं ठीक है आज का जो जमाना है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का जमाना है तो ये जो एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं चलो हमको मिसाइल्स चाहिए हमको टैक्स चाहिए हमको सब चाहिए वो सब बातें ठीक है लेकिन ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है सुपर कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू द डिफेंस टेक्नोलॉजी जो अभी हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है बंडेड लेकिन ये जो एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है दिस कैन बूस्ट द मिलिट्री इंटेलिजेंस कैपेसिटीज एंड दैट कैन बी वेरी क्रिटिकल फॉर आर मिलिट्री पर्पजेज वेल चलिए सो so दोस्तों जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे कन्वर्जेंस ऑफ द जल जीवन मिशन एंड द स्वच्छ भारत मिशन स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एलिंग इन रूरल इंडिया इसको इलाबोरेट करिए ढाई 250 शब्दों में चलिए सो so दोस्तों ये थे आज के हमारे चार इंपॉर्टेंट एडिटोरियल चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सो so, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्लीपी क्लासेस को ऐसे और अपडेट्स के लिए और दोस्तों अगेन आई रिपीट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा एडिटोरियल्स विद मेज आंसर राइटिंग का आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा चलिए दोस्तों मिलेंगे कल आंसर्स लिखते रहिए कल दोपहर तो बारह बजे तक आपके आंसर्स का हमको इंतजार रहेगा और कल हम बेस्ट आंसर शेयर करेंगे आपके साथ शाम को छह बजे राइट मंडे टू सैटरडे आपके आप ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है मंडे टू सैटरडे आपके सामने ये आता रहेगा शाम को छह बजे चलिए दोस्तों अब अपना ध्यान रखिए टेक केयर ऑफ यर सेल्फ जय हिंद